So guys, this video is going to be a long-term review video of the amazing KTM Duke 390. क्या क्या चीज़ें मुझे इस बाइक के अंदर अच्छी लगती हैं, इस बाइक के इंजन के अंदर हीटिंग इश्यूज हैं कि नहीं है उसके बारे में बात करेंगे, कितना माइलेज आपको देखने को मिलता है इस बाइक के अंदर, कंफर्टेबल है कि नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अंत तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको लुक्स दिखाता हूँ KTM Duke 390 के अंदर। इसके अंदर दो कलर्स आते हैं, एक व्हाइट कलर और एक सिल्वर कलर। मुझे पर्सनली यहाँ पर व्हाइट कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ इस प्रकार का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। Duke 390 की बात करें, ऑन रोड प्राइस जो इस बाइक का हो चुका है लगभग 358,000 रुपये हो चुका है, 358,000 रुपीज़ इस स्पेसिफिक बाइक का ऑन रोड प्राइस हो चुका है। अब जयपुर की यहाँ पर बात करें, एंड डेफिनेटली थोड़ी सी प्राइस बढ़ चुकी है बाइक्स की, बट जो आपको चीज़ें इस बाइक के अंदर देखने को मिलती हैं वो दैट इज़ अमेजिंग। अब यहाँ पर बात करते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आए थे कि भाई इंजन के बारे में बात करो, हीटिंग इशूज़ है कि नहीं, उन सब के बारे में बात करो। तो देखो, ये 373.33 cc का इंजन है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आप कह सकते हो 400 cc का इंजन है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, डेफिनेटली बहुत हाई पावर्ड है, इस बाइक के वेट के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखो, इतना पावरफुल जो इंजन होता है वो डेफिनेटली गर्म करता है, बिकॉज उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा पावर होती है। हर एक स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हीट डेफिनेटली बाइक में डिसिपेट होती है इस इंजन से, तो उसे आप हीटिंग इश्यूज मत मानो, वो डेफिनेटली उतना नॉर्मल है इस इंजन का गर्म होना। बट हाँ, अगर आप सिटी में चलाते हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हो, आप यहाँ पर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा देर खड़े रहते हो बाइक ऑन करके, तो डेफिनेटली बाइक का इंजन काफी ज्यादा गर्म करेगा, बिकॉज स्टैग्नेंट बाइक है, एयर फ्लो कुछ नहीं है, तो यार बाइक का इंजन जो है वो हीट फेंकेगा ही, तो आपको लगता है कि वो हीटिंग प्रॉब्लम है, जबकि वो हीटिंग प्रॉब्लम नहीं है। वो बाइक एक जगह खड़ी हुई है, इंजन चल रहा है, तो इसलिए वो हीट डिसिपेट कर रहा है, बस वो हीटिंग इश्यूज नहीं है। वो डेफिनेटली नॉर्मल चीज है, उतना तो गर्म करेगी ही बाइक का इंजन, तो वो डेफिनेटली आप हीटिंग इश्यूज मत लेके जाइए। बट हाँ, अगर आपके बहुत ही ज्यादा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप चेक करवा सकते हो सर्विस सेंटर में जाके, इनको इश्यूज होंगे तो वो रिजॉल्व वहां पर हो जाएंगे। इंजन मजेदार है, मेरे हिसाब से बेस्ट चीज इंजन है इस बाइक के अंदर, मेरी पर्सनल फेवरेट है। सेकंड चीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा शानदार लगता है वो है इस बाइक का लुक। आई रियली लव द लुक ऑफ दिस स्पेसिफिक बाइक। डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। आप हर एक चीज़ ले लो, चाहे फ्रेम ले लो, चैसी ले लो, यहाँ पर हैंडल बार्स ले लो, हेडलाइट क्लस्टर ले लो, व्हील्स ले लो, एवरीथिंग इज़ ऑफ वेरी टॉप नॉच क्वालिटी, आपको एक नंबर चीज़ देखने को मिलेगी। एंड इसकी सबसे ज़्यादा बात शानदार ये है कि बहुत ही ईजी टू मेनटेन बाइक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी टू मेनटेन बाइक है। मतलब 2,500-3,000 रुपये में पूरी बाइक आराम से सर्विस हो जाती है, कोई भी आपको इतना प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिलने ही नहीं वाला है। एंड जेब पे जो है वो बिल्कुल भी बाइक भारी नहीं पड़ती है, इस बाइक की सबसे बड़ी खास बात ही मुझे ये लगती है। ब्रेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ब्रेक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़े और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बिकॉज ये बाइक जो है बहुत पावरफुल है, लिटरली मेरे हिसाब से एक सुपर बाइक है, तो इसके जो ब्रेक्स हैं थोड़े और बेटर हो जाएं तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा मुझे हमेशा इस बाइक को चलाने के लिए। वैसे इस बाइक के ब्रेक्स अच्छे हैं, 320 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है, एंड यहां पर आपको डुअल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलती है सुपर मोटो के साथ। मेटजलर्स के टायर आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले टायर आते हैं, आपको ग्रिप्स बहुत अच्छा प्रोवाइड कराते हैं। सस्पेंशन सिस्टम जो है बोथ फ्रंट और रियर, अमेजिंग सस्पेंशन सिस्टम। हाईवे पे तो आपको मज़ा आ जाएगा, सिटी में आपको मज़ा आ जाएगा, बट हाँ, गांव वगैरह में अगर आप चलाओगे, खराब रोड पे आप चलाओगे, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये स्टिफ सस्पेंशन है, वैसे स्टिफ नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं सस्पेंशन सिस्टम बाइक के। इस बाइक के अंदर आपको स्लिपर क्लच देखने को मिलता है, राइट बाय वायर थ्रॉटल देखने को मिलता है, और आपको क्विक शिफ्टर प्लस देखने को मिलता है, तो मतलब आप बिना क्लच दबाए जो है गियर शिफ्ट कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये सुपर बाइक वाले फीचर्स बहुत ही मज़ेदार हैं इस बाइक के अंदर। इस बाइक के अंदर आपको कंप्लीट TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको फोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर बटन से आप जो है पूरा नेविगेट कर सकते हो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर, कंप्लीट TFT है। सूरज के अंदर दिन में बहुत ही इजी टू विजिबल है, आराम से दिखता है, कोई भी यहां पर प्रॉब्लम होती नहीं है कि आपको ऐसे करके देखना पड़ रहा है, इजीली दिख जाता है पूरा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फ्यूल टैंक जो है मेटल क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम यहां देखने को नहीं मिलने वाली, बिकॉज ये बाइक का जो इंजन का जो माइलेज है, ये बाइक आपको लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी अगर आप ढंग से इस बाइक को चलाएंगे, तो यार डेफिनेटली इतने अच्छे माइलेज के साथ आप एक फुल टैंक में एक बहुत अच्छी राइड कर सकते हो इजीली। कंफर्ट
अमेजिंग है बाइक के अंदर। सिटिंग पोजीशन जो है बहुत ही कंफर्टेबल है, एर्गोनॉमिक्स बहुत ही शानदार है इस बाइक के। तो अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब एक मैड बाइक हो इस रेंज के अंदर, मतलब 3.5 लाख रुपए के प्राइस रेंज के अंदर, 3.5 लाख रुपए के प्राइस रेंज के आसपास, तो मेरे हिसाब से ड्यूक 390 एनी डे इज वन ऑफ द बेस्ट बाइक यू कैन फाइंड आउट इन इंडियन मार्केट। मतलब जो इस बाइक की पावर है ना वो मज़ेदार है। जब तक आप इस बाइक को चलाओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये कितनी मज़ेदार चीज़ है। आप इजीली कोई भी सुपर बाइक के साथ कंपीट कर सकते हो जब भी आप इस बाइक को चलाओ आराम से। 160 किलोमीटर पर आवर तो बहुत ही ईजिली जाती है ये बाइक। तो यार ये बाइक को चलाना बहुत ईजी है, बहुत लाइट वेट बाइक है एंड ओवरऑल मेरे हिसाब से बहुत फन बाइक है। तो मेरा तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा इस बाइक का लुक है। डेफिनेटली आप इसको बहुत टाइम तक रख सकते हो एंड ईजी टू मेनटेन है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक रिलायबल बाइक है। आपको कैसी लगती है ड्यूक 390 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। एंड अगर आप एक ड्यूक 390 ओन करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर बताएगा, ताकि जो भी और बाइक लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाए बाइक को परचेज करना, मतलब कंफर्म करना कि खरीदे कि नहीं खरीदे। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करेगा, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूल गए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिखा होगा throttle_98 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट वे, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय।